हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोज्ञान। तो आज आम कौन पढ़ा ना मेटा पढ़ा कौन आज स्टार्ट करवा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करवा आमर हूँ जो कोर कोर्स रहा आम ऑल ओडिशा जितक यूनिवर्सिटी अच्छे टोटल सब प्राय कोर कोर्स सेम रोचे डीएससी गुड़ा निज निज सुविधा अनुसार करती कोर कोर्स रोचे कोर कोर्स सेम रोच। तो मेटाबॉलिज्म आज कौन पढ़ा ना मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म पढ़ा पूर्व आदर कह जो मैंने लाइक सेयार सब्सक्राइब कर लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिए सांग मैंने भिड पहुँचाई थे आउटे जो भिडियो भी भल लगुच लाइकटे कर जब भल लगुच लाइकटे कर जहाँ भी प्रोब्लेम हो कमेंट जनाव ठीक अच्छे। आम जो प्रोब्लेम कमेंट न जाना ट्राए कराया कमी हाँ ठीक अच्छे। तो आशा करूँ समस्त बर्तमान भल कि ऑफलाइन क्लास भी तुम मैं चल पड़ी ऑफलाइन क्लास जाऊ कि पाठ से बुझुव कि पाठ तो जहाँ भी आम भी प्रॉब्लम रोचे जोड़ा ऑफलाइन क्लास रे तुम्हें जो मैंने भी जापार कि जाकि भी बुझीपारू तो से यहाँ हूँ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब तरफ मैं यूट्यूब बायोज्ञान तरफ फ्री प्रोवाइड करा कराए। तो ठीक अच्छे चलो लेट स्टार्ट करवा लेट करवानी। तो फास्ट जानवा आम कौन मेटाबॉलिज्म कौन व्हाट इज मेटाबॉलिज्म है। तो मेटा आम फास्ट मेटाबॉलिज्म बुझा पर देख आम बॉडी आम अच्छी बॉडी भितर आम बॉडी कौन अच्छी ना डिफरेंट डिफरेंट आमर अच्छे सेल अच्छे बॉडी रे आमर डिफरेंट डिफरेंट सेल अच्छे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल रे कौन अच्छे ना आमर डिफरेंट डिफरेंट सेल रे होची डिफरेंट डिफरेंट आमर केमिकल्स अच्छे बायोमोल ताको जोड़ो के बायोमोलिक्यूल कोले है डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल अच्छे बुझे। तो आम गोटे सेल भितर डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल अच्छे से कौन बायोमोलिक्यूलटा कुआडे होची आम तैयारी कौन हो सिंथेसिस हो जो बायोमोलिक्यूल आम बॉडी भितर रहा सेल भितर रहा कौन सिंथेसिस हो सिंथेसिस किसी होती आउ कि हूँ ना गोटे फॉर्मरू आउ गोटे फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती आम बर्तमान खाद्य खाद्य खाऊं। तो खाद्य आम जहाँ भी रोच स्टार्च रहा आम स्टार्च रहा आम रोच कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट रहा। तो कार्बोहाइड्रेट आम खाइले जो आम बॉडी कौन कार्बोहाइड्रेट अब्जर्व करती पॉली कार्बोहाइड्रेट अब्जर्व करती ना आम बॉडी कौन करना ग्लुकोज अब्जर्व कला। तो सेटा हूँ कौन है ना गोटे फर्म आउट ऑफ फर्म ट्रांसफर्म हम सिंथेसिस हो ना सिंथेसिस हम ताको आम कह बायोमोलिक्यूल तो यहाँ गला गोटे सेल भितर नॉर्मल होता है। तो गोटे एग्जांपल दो देख बर्तमान गोटे क्लास बर्तमान तुम हूँ तुम ऑफलाइन क्लास है तुम सिक्स सेमिस्टर तो थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर कौन अच्छा थर्ड ईयर क्लास भितर तुम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पिला थे देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थर्ड ईयर पिला थे कि क्या टिके किए टिके बदमाश थी है किए हूँ भल थी किए सार कथा मानु किए सार कथा मानु नहीं किए हूँ तुम टोटल क्लास को मैंने कंट्रोल करम क्लास रिप्रेजेंटेटिव किए थी है तुम हूँ जहाँ भी किसी कौन डिफरेंट डिफरेंट पिला अच्छा किए भी पिला एक्ट पार्टिसीपेट हो नए से खाली पाठ पढ़ते आसते पाठ पढ़ी पलैबे किसी कम न थो। तो डिफरेंट डिफरेंट कौन गोटे क्लास अच्छा तो डिफरेंट डिफरेंट कर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है मे बी किसी पिला थी फंक्शन सेम हो पारे दुज रिप्रेजेंटेटिव थी पारे जोटा कि क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे जो मैंने कहार हो किसी पिला अच्छा क्या फुटबॉल भल लगे क्या क्रिकेट भल लगे। तो सेमती गोटे सेल भितर कौन अच्छे ना डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल अच्छी। तो बायोमोलिक्यूल अच्छे तो जो बायोमोलिक्यूल रहा है तो बायोमोलिक्यूल तार हूँ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहा बुझेगा। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहा तो डिफरेंट डिफरेंट काम रहा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहा नुआ बायोमोलिक्यूल गोटे या ट्रांसफर्म हम आउे कौन है सिंथेसिस हम बायोमोलिक्यूल गोटे सेल भितर है। तो से जो बायोमोलिक्यूल अच्छी है हूँ किए कंट्रोल करे सिंथेसाइज कर हेल्प करे ट्रांसफर्म कर हेल्प करना किए कर एंजाइम करजाइम कर किए कल ना एंजाइम कला ना गोटे बायोमोलिक्यूल आउ गोटे बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस कि ट्रांसफर है प्रिकसर रू आउ गोटे नुआ बायोमोलिक्यूल या किए कंट्रोल कला किए मेडिएट कला किए कला ना हूँ एंजाइम कला एंजाइम कौन कला एंजाइम कैटालाइज कला एंजाइम एंजाइम कह मु तो ना किसी हेनी है एंजाइम कौन कला मु तो ना किसी हेनी है बॉडी देख जहाँ भी रोचे है एंजाइम एंजाइम ही तार हूँ सब हूँ एंजाइम कराऊँ एंजाइम ना कि हेनी है एंजाइम कह स्वाभाविक मुत ना कि हेनी ठीक अच्छे।
तो है एंजाइम सब काम करला तो जो ये जो आम रहा बायोकेमिकल रिएक्शन रहा जो रिएक्शन रहा कि गोटे प्रोडक्ट रु आउ गोटे प्रोडक्ट है गोटे सब्सटेंस रु आउ गोटे सब्सटेंस है तो ये जो केमिकल रिएक्शन रोज टोटा आम सेल भितर केमिकल रिएक्शन रोचे आम ऑल टुगेदर कौन कहले ना मेटाबॉलिज्म कहले बुझीला कौन कहले ना बॉडी भितर जी आम सेल रोचे जी आम केमिकल रिएक्शन होला क्या द्वारा हूँ एंजाइम द्वारा हूँ एंजाइम को कैटालाइज करुच्छी बायोमोलिक्यूल को है तो आम कहले मेटाबॉलिज्म कहले मेटाबॉलिज्म आउ थे बुझेगा ना कि आम बायोमोलिक्यूल अच्छे से गोटे बायोमोलिक्यूल आउ गोटे बायोमोलिक्यूल है तो ताकु किए कंट्रोल कला किए कैटालाइज कला ना एंजाइम कैटालाइज कला तो एंजाइम जो कैटालाइज कला से प्रोसेस आम कहले मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म आई तो कौन होता है लिनियर मेटाबॉलिज्म हित मैंने गोटे ठीक है तो मेटाबॉलिज्म आई तो कौन होता है ना मेटाबॉलिज्म लिनियर ही लिनियर कौन गोटे प्रोडक्ट तापर नेक्स्ट गोटे प्रोडक्ट या लेट ए गोटे प्रोडक्ट है ए प्रोडक्ट रू बी प्रोडक्ट या तो बी प्रोडक्ट रू कौन हम ना आम सी प्रोडक्ट हम तो सी प्रोडक्ट रू डी प्रोडक्ट हम एटा हूँ कौन लिनियर है कौन है ना लिनियर है तो जो लिनियर है आम हूँ गोटे साइक्लिक हो पारे ए तैयारी है एपर आम डी तैयारी है डी पर हूँ बी तैयारी है तो यहाँ गोटे साइक्लिक वेल चलना ये भी साइक्लिक हो पारे तो देख बर्तमान कौन लिखाई पढ़ी तो लिखाई मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स केमिकल रिएक्शन कहला जितकी वाटर केमिकल रिएक्शन होती है सम को कहले आम मेटाबॉलिज्म कहले बुझे जोटा कि ऑलरेडी बुझी सारी इट इज एन इमरजेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ दैट अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विदिन द सेल मॉलिक्यूल्स मान बायोमोलिक्यूल्स कहला जो बायोमोलिक्यूल इंटरेक्शन होकर कौन करें नुआ गोटे इमरजेंट प्रॉपर्टी जो लाइफ इमरजेंट प्रॉपर्टी जहाँ भी लाइफ दरकार से कौन केमी होता है ना बायोमोलिक्यूल इंटरेक्शन द्वारा होता है गोटे सेल रे बायोमोलिक्यूल इंटरेक्शन द्वारा होता है बुझेगा तो आउ गोटे देख तो आउ गोटे कौन जोटा कि आम मेटाबॉलिज्म जो कंपाउंड यूज होला कंपाउंड मैंने सब पेन पेपर धरी रेडी जोटा कि स्लाइड ना मुझे डाक दे कंपाउंड दैट इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट्स कौन कहला ना मेटाबोलाइट्स ताने कहला जो कंपाउंड गुड़ा मेटाबॉलिज्म यूज होता है कहले मेटाबोलाइट्स कहले बुझेगा मेटाबोलाइट्स क्या कहले लिखीद तो कंपाउंड्स दैट आर इनवॉल्व इन मेटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबोलाइट्स तो मेटाबोलाइट्स आम पढ़ा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कहाना ना पढ़ा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सब आम डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स पढ़ा आगू जा मेटाबॉलिज्म आगू जा तो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म पढ़ा तो सी कहला मेटाबोलाइट्स कला तापर से देख कौच जोटा कि देख आ गए डाक लिख ए सीरीज ऑफ जोटा कि स्लाइड ना जो डाक लिख ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन सी एक्शन इंटरकनेक्टेड है जोटा कि सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इंटरकनेक्टेड ताको कहले मेटाबॉलिक पाथ है कहले कौन कहले ना मेटाबॉलिक पाथवे तो बुझेगा मेटाबॉलिक पाथवे कौन कहला इंटरकनेक्टेड अच्छे ये गोटे लेट बायोमोलिक्यूल है यहाँ गोटे बी बायोमोलिक्यूल है तो बी मायोलिक्यूल जोटा सी तैयारी है तो डायरेक्ट सी रु ए रु सी को तैयार कि बी रु जहाँ प्रोडक्ट है डी है तो डी रु आम सी भी तैयार ये सब कह सब इंटरकनेक्टेड अच्छे ये जो कनेक्टेड अच्छे या कहे मेटाबॉलिक पाथवे कहले है जो एर दिखाई नुआ प्रोडक्ट या कहे मेटाबॉलिक पाथवे कहले बुझेगा तो मेटाबॉलिक पाथवे देख आम दुटा जिन दरकार गोटे कौन दरकार सब्सट्रेट दरकार सब्सट्रेट रु कौन तैयार हो ना प्रोडक्ट या
सबस्ट्रेट्रु आम कौन दिखाला ना प्रडक्ट या तो सबस्ट्रेट्रु प्रडक्ट या किए हेल्प कर एंजाइम हेल्प कर एंजाइम हेल्प कला तो सबस्ट्रेट प्रडक्ट या किए हेल्प कला एंजाइम हेल्प कला तो देख आम गोटे ना हूँ एंजाइम ए एंजाइम ए रु एंजाइम बी तैयार है एंजाइम एटा हूँ कौन स्टार्टिंग प्रडक्ट है स्टार्टिंग मलिकुल है जोटा कि आम सब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट भी कहला बी रु कौन सी तैयार है सी रु कौन डी तैयार है तो ये जो बर्तमान डीटा कौन फाइनाल प्रडक्ट है डीटा है फाइनाल प्रडक्ट है तो ये जो ए रु बी की तैयार है आम कहे रिएक्शन वन कहले बी रु सी कहे रिएक्शन टू कहले सी रु डी कहे रिएक्शन थ्री कहले तो ये भी एंजाइम दरकार एंजाइम वन एटी यूज है एंजाइम टू मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम मुझे एंजाइम एग्जाम्पल लिया हूँ एंजाइम वन एंजाइम टू एंजाइम थ्री यूज है मैंने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम तैयार यूज है डिफरेंट एंजाइम तैयार है तो एक आम कौन कहले आम कौन कहे मेटाबोलिक पाथवे कहले बुझीगला गोटे सबस्ट्रेट कौन है प्रडक्ट तैयार है मेटाबोलिक पाथवे कहला तो देख मेटाबोलिक पाथवेटा जो मेटाबोलिक पाथवे रहा जोटा कि अच्छे मेटाबोलिक पाथवे मेटाबॉलिक पाथ हुए जो रहा सेटा कौन हो पाए मेटाबॉलिक पाथटा कौन केमी हो पाए गोटे लिनियर हो पाए कौन पारे लिनियर हो पाए लिनियर हो पाए आ गए साइक्लिक हो पाए है लिनियर कौन हम मानते गोटे पर आ गए या गोटे तैयार लिनियर है तो साइक्लिक कौन हम एटार एटा याटा याटा कौन तैयार एटा साइक्लिक तैयार है एटा कहे साइक्लिक कहे बुझीगला तो यार हूँ लिनियर एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस आम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ले जानवे ग्लाइकोलाइसिस कौन ग्लाइकोलाइसिस कौन आम ग्लुकोज रु मेनली ग्लुकोज रु कौन तैयार होमर पाइरुवेट तैयार हो ग्लुकोज पाइरुवेट तैयार एटा हूँ कौन है लिनियर है आसला कौन आम साइक्लिक साइकिलटा मेन हूँ क्रेब साइकिल है क्रेब साइकिल है क्रेब साइकिल कौन आमर हूँ ऑक्सालो एसिटिक एसिड रु आमर का मिसला ना एसिटाइल कोएंजाइम तापर फोन कौन हम ना साइट्रिक आमर हूँ साइट्रेट तैयार है डिफरेंट डिफरेंट या फोन ऑक्सालो एसिटेट आम तैयार है आम आगे गले पढ़ा तो यहाँ कहले मेटाबॉलिक पाथवेटा कौन है मे भी लिनर हो पाए मे भी साइक्लिक हो पाए बुझीगला आगे कौन हो पाए ना स्पाइराल हो पाए कौन होता है ना स्पाइराल हो पाए मैंने कहनी स्लाइड लिखि ना सब स्पाइराल हो पाए तो स्पाइराल कौन हम ना हूँ आम पर्यटा पढ़ा हूँ एमिनो एसिड जो तैयार हुए फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ा तो जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ा सेटा हूँ कार एग्जांपल है ना स्पाइराल मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिक पाथवे मैंने गोटे आम जमी पाथ मूव कर गोटे पाथ रु आम घर मुँह गली आमर हूँ आज जो घर गली है आज जो घर सी आज जो घर गला ये जो पाथ जो मुवमेंट कला एक कहला पाथवे कहले से बुझीगला से मेटाबोलिक पाथवे कहला मैंने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो पाथ्रे जाए मेटाबोलिक पाथवे बुझीगला मेटाबोलिक पाथवे तापर आम स्लाइड कौन से देखा टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म तो केते प्रकार टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म देखो देखो तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने पूर्व मुझे किसी डिस्कशन करुच्चे देख टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने देख क्या जो आम सिंथेसिस कौन है ना कौन है मर जो बायोमोलिकुल गुड़ा सिंथेसिस है बायोमोलिकुल सिंथेसिस है सी कहला जो बायोमोलिकुल सिंथेसिस हम जो आम मैंने कौ रिएक्शन हम ना मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शन हम सी कहला जो बायोमोलिकुल तैयार हम तो डिफरेंट मेटाबोलाइट रहा डिफरेंट लिखित है डिफरेंट मेटाबोलाइट डिफरेंट मेटाबोलाइट जो फ्लो हम डिफरेंट हम है माने तार रेट जो हम तार रेट आउ तार डायरेक्शन तार रेट आउ डायरेक्शन जो है स्पेशल पर्टिकुलाटार पर्टिकुलर अच्छे डिफरेंट हम जोटा जो कहीं डिफरेंट हम माने जदि ग्लाइकोलाइसिस आम हूँ पाइरुवेट तैयार है ग्लाइकोलाइसिस रु तो तार रेटा आम जो साइट्रिक एसिड बाहर क्रेब साइकिल जो आम कौन है ना ऑक्सालो एसिटिक एसिड रु आम साइट्रिक एसिड तैयार है
तो ताकू किए हेल्प कला स्टाइल कौन जामे तर जो डिफरेंट रेट बाहर तार कौन है डिरेक्शन टा सब सामान ना यहाँ लिनियर है आमर साइक्लिक है तो जो कहला डिरेक्शन सामान नुहे कहीं डिरेक्शन सामान नुहे कहला जो सिंथेसिस है डिग्रेड है एक भी डिग्रेड हो जाए जोटा कि आम दरकार ना डिग्रेड हो जाए आउ थे कह देख जो बायोमोलिक दरकार ना डिग्रेड है तो जो डिग्रेड है आम यहाँ कौन कहाना हूँ डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट डायनामिक जो कौन है ना डिग्रेड है सिंथेसिस कौन कह आम डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कह बुझेगा तो तापर देख आम हूँ मेटाबॉलिज्म बॉडी रे कहीं कौन होता है ना पर्पज कौन है बॉडी रे मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म पर्पज कौन हम है कहीं गोटे मेटाबॉलिज्म गोटे सेल्टे कहीं मत आ गोटे सेल आ गोटे सेल आ गोटे बायोमोलिक्यूल कहीं ऑलरेडी तो मैंने मैंने जना पड़ी कहीं आम बचुंत केमी गोटे बायोमोलिक्यूल एनर्जी मिलूल बचुंत तो फास्ट कौन है ना जेनेरेसन अफ एनर्जी कौन है ना जेनेरेसन अफ एनर्जी एनर्जी कौन दरकार आम मुमेंट करें खाऊँ दौड़ बुलूं जहाँ भी कर सब थे कौन दरकार होती एनर्जी तमें मेटाबॉलिज्म पर्पज कौन है ना जेनेरेसन जेनेरेसन अफ एनर्जी कहीं कौन पर दरकार कौन पर जेनेरेसन अफ एनर्जी दरकार टू ड्राइव वाइटल फंक्शन है तो फास्ट है तो सेकेंड कौन है ना सेकेंड ऑलरेडी हम जानपरचान गोटे बायोमोलिक्यूल आउ गोटे बायोमोलिक्यूल तैयार है तमाने सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल बा सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकेंड कौन है ना सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल लिखी देखा तार पर्पज कौन है गोटे जेनेरल जेनेरेसन ऑफ एनर्जी आउची कौन है ना गोटे क्वेश्चन रोचे देख है जोटा कमेंट रे लिखे क्वेश्चन रोचे तो सेल र एनर्जी 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 करेन्सी कौटा ऑप्शन ए हेला माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी हेला गोल्जी बॉडी ऑप्शन सी हेला एटीपी ऑप्शन डी हेला पाइरुवेट तो यहाँ भर कौटा एनर्जी करेन्सी कौटा देखो या भर एनर्जी करेन्सी कौटा देख एटा हूँ आम कमेंट लिख लाइव चार्ट भी जो मैंने लाइव चार्ट नहीं कमेंट लिखापी ट्राए कर तो यह कौन है ना आमर हूँ सेल जो एनर्जी करेन्सी आम कह बुझेगा तो आम स्टार्ट पुणे देख तो स्टार्ट कौन है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन है ना मेटाबॉलिज्म के प्रकार है आमर मेटाबॉलिज्म द्वी प्रकार टू टाइप्स टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म द सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म बुझेगा तो कैटाबॉलिज्म व्हाट इज कैटाबॉलिज्म द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिमिलर सिंपलर फॉर्म है सिंपलर फॉर्म है एंड रिलीज एनर्जी एंड कौन कर प्लस एनर्जी रिलीज कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हेला एटा कौन कहला ना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलटा आम सेल फंक्शन किसी काम कर पारे आम कौन दरकार आमर सिंपलर फॉर्म दरकार तो एटा कौन कला ना एटा हूँ ब्रेक है भांगा भांगी कौन कला ना आमको एनर्जी रिलीज कला प्लस कौन कला ना आमर हूँ एनर्जी सब सिंपल सिंपल फॉर्म करदेला एटा है एनाबॉलिज्म है कैटाबॉलिज्म है तो एनाबॉलिज्म कौन है ना सी गोटे एटा भांगा एनाबॉलिज्म तैयारी हे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल माने डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल बायोमोलिक्यूल अच्छी सी कौन ना गोटे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल तैयार है गोटे बड़ बायोमोलिक्यूल तैयार है एंड कौन है ना आमर हूँ एनर्जी ये यूज हे कौन है ना एनर्जी कंज्यूम हे एनर्जी रिलीज होता है ये एनर्जी कंज्यूम हम है एनर्जी कंज्यूम हम ताकू कहले आम हूँ एनाबॉलिज्म यार डिटेल्स टी देखीद नेक्स्ट कौन अच्छे देख डिटेल देखा तो फास्ट है कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कौन है ना द एस द सेट ऑफ मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ब्रेकडाउन द लार्जर मॉलिक्यूल कौन है ना ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हम ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल लेखने कौन है ना ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीडेटिव 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 ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू कौन है ना सिंपलर फॉर्म है एनर्जी रिलीज है आउ कौन है ना
ଦେଖ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଉ ଯେଉଁ ଆମର ଆମର ହେଉଛି ମସଲ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ମସଲ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ଆମର ହାତ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ମସଲ୍ ସେଲ୍ ପେନ୍ କରୁଛି, ତ ଯେଉଁ ମସଲ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ପେନ୍ କାହିଁ କରୁଛି ଦେଖ, ମସଲ୍ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ମସଲ୍ ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ରନିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତ ୱାର୍କ ଯାହା ବି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମସଲ୍ କାହିଁକି ପେନ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମସଲ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ମସଲ୍ ପେନ୍ର କାମ ହେଉଛି ଆମର ମେଟାବଲିଜିମ୍। କ'ଣ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ହେଲା, ଆମର ମସଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମ ଦରକାର, ଆମେ ଯେତିକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଥିବ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତିକି ଆମର ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ହେଲା, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, କ'ଣ କହିଥିବେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ, ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇଦେଇ ଥରେ ବୁଲିଦେଇ ଆସିବେ ଦୌଡ଼ିବା ଦିନେ ଥରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ବସିଯିବେ ଖାଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ 6, 7, 8 ଏମିତି 10 କଥା କହୁଛି, କି ବଡ଼ ପିଲା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେମିତି କେହି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ 6, 7 କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଖାଲି ଯାଇକି ଟିକିଏ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ତ ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କାହିଁକି ରନିଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଦିଏ, ଆମେ ପଢ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିଜିଓଲୋଜି ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଜାଣିଥିବ କି ଆମକୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ବଡି ଆବଜର୍ବ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ପଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ଆମେ ଆବଜର୍ବ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତ ଆବଜର୍ବ କାହା କରିବ ନା ମନୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବ ହେଲା, ମନୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ, ତା'ମାନେ ଆମର ବଡି ଆମେ ଯଦି ପଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ କରିବନି, ତାକୁ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଖାଇଲେ ଆମର ଡାଇକାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇଲେ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଯେକୌଣସି ଆମ ପଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କିମ୍ବା ହେଉଛି ମନୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଛଡ଼ା ଯାହା ଖାଇଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ପଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରୁ ମନୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ବଡି ଏନର୍ଜି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ବଡି ତାକୁ ଆବଜର୍ବ ନେଲା, ତାକୁ ଆମେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଲେ ହେବ ତା'ପରେ ଆବଜର୍ବ ହେବ, ଆମର କ'ଣ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇଲେ ଆମ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି, ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇଲେ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କ'ଣ କହୁଛି ବା ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କ'ଣ କହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ତ ଏଇଟା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଦେବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିବନି ହେଲା, ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହିଁ ଆମ ବଡି ଆବଜର୍ବ କରୁ, କେଉଁଠି ଆବଜର୍ବ ହୁଏ ଆମର ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଆବଜର୍ବ ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ, ବୁଝିହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କାହିଁକି ଏନର୍ଜି ମିଳୁ ବୁଝିହେଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ କେଟାବୋଲାଇଟ୍ ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କାହିଁକି ପେନ୍ ହୁଏ ଦେବ ଦୌଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ପେନ୍ ହୁଏ, ତ ଯେଉଁ ଆମେ ରନିଙ୍ଗ କଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦରକାର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖାଇଲେ, ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ମସଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେବ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା ATP ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଏନର୍ଜି ହେଲା, ATP ଏନର୍ଜି ଆକାରରେ ତିଆରି ହେଲା, ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏନର୍ଜି ତିଆରି ହେଲା, ଏନର୍ଜି ଆମର ତ ହେଲ୍ପ କଲା ଦୌଡ଼ିବାରେ, ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ କଲେ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏସିଡ୍ ହେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିନେ ହାତ ଅଛି ଆମର ଜଳେ କାହିଁକି ଜଳେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିରେ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରନିଙ୍ଗ କଲାପରେ ମସଲ୍ରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେନ୍ କରିଥାଏ, ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପେନ୍ କରିଥାଏ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ MSc ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ଦେଖ, ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଆମର ବଡି ପେନ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ରନିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କେଟାବୋଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କେଟାବୋଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ଼େଡ୍ ବାଇ ଦ ଏନାବୋଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ତା'ପରେ ଆମେ ଏନାବୋଲିକ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେବ, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବ ହେଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ତ ଏନର୍ଜି ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଏନାବୋଲିଜିମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ତାକୁ ଦେବ କି ନାଇଁ କେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଦେବ, ଆଉ କ'ଣ ଦେବ ନାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଏ କରିଦେବ କେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଦେବ, ତା'ମାନେ କେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବିନା ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା, ତା'ମାନେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ ଯଦି ରହିବେ ନହେଲେ ହେଉଛି କାହାର ବି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତା'ପରେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ଦେଖ, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ମେଟାବଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେୟାର୍ ଦ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ଡ ବାଇ ଦ କେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଲିକୁଲ, ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଲିକୁଲ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ନା ଯେଉଁ କେଟାବୋଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବା ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମିଶି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତିଆରି କରିବ ପ୍ଲସ୍ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ 3 ବେସିକ୍ ସ୍ଟେଜେସ୍, ତିନିଟା ବେସିକ୍ ସ୍ଟେଜ୍ ଦେଖ, ତିନିଟା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କହିଲା ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିକର୍ସର୍ ଲାଇକ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରିକର୍ସର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ ଲାଇକ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ହେଲା, ମନୋସାକ୍ରାଇଡ଼୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଲା, ମନୋସାକ୍ରାଇଡ଼୍ ପଲିସାକ୍ରାଇଡ଼୍ ହେଲା
ହେଲା। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିକର୍ସର୍ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଏମିନୋ ଆସିଡ୍ ପ୍ରିକର୍ସର୍ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମ ୟୁଜିଂ ଏନର୍ଜି କହିଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରୁ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେବ କାହାଦ୍ୱାରା ନା, ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେବ। ଏନର୍ଜି ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ କ'ଣ, ଏନର୍ଜି କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଲା, ଏନର୍ଜି କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ପ୍ରିକର୍ସର୍ ଇଣ୍ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଲିକୁଲ ସଚ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ପଲିସାକାରାଇଡ୍ସ, ଲିପିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ଼। ତା ମାନେ ଏମିନୋ ଆସିଡ଼୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ତିଆରି କରିବ, ହେଲା। ଏମିନୋ ଆସିଡ଼୍ ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହେବ। ମନୋସାକାରାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବ, ହେଲା। ଆମର ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ତିଆରି ହେବ। କେମିତି ନା, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଏନାବୋଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆମର ହେଉଛି ଏମିନୋ ଆସିଡ଼୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, ହେଲା। ତ କେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ମୁଁ କହିଛି, କେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ମସଲ ସେଲ୍ରେ ବା ସ୍କେଲିଟାଲ ସ୍କେଲିଟାଲ ମସଲ ସେଲ୍ରେ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ଇନ୍ ମସଲ ସେଲ୍, ମସଲ ସେଲ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ଯେଉଁ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଗଲା ପରେ, ତ ଏନା ଦେଖ, ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍। କ'ଣ ଅଛି ନା, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ଅଛି, ଲେଖ ଖାତାରେ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ପାଥୱେ, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ପାଥୱେ ହେଲା। ତ ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ପାଥୱେରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଥ୍ ଆଇଦର୍, କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଇଦର୍ ଆଇଦର୍ ଏନାବୋଲିକ୍ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ, ଅର୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ, ହେଲା। କେତେବେଳେ ହେବ, କେତେବେଳେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ, କେତେବେଳେ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ, ତ ବଡ଼ିର ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କାହିଁକି ନା, ବଡ଼ିର ସେଲ୍ର କ'ଣ, ସେଲ୍ର ଏନର୍ଜି ଅଛି କି ନାହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ଆମର ସେଲ୍ରେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଏନର୍ଜି, ତାହେଲେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତାକୁ ସେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ, ମାନେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମର ନାହିଁ ଏନର୍ଜି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସେଲ୍ସ, କ'ଣ ହେଲା ନା, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଏନର୍ଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ନା, ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସେଲ୍, ଏନର୍ଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ପାଥୱେ। ମାନେ ଆଇଦର୍ ହେଉଛି ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ କିମ୍ବା କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ହେବ। ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ନା, ଯେ ଆଇଦର୍ ହେଉଛି, ଯଦି ସେଲ୍ର ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଥିବ ସେ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କରୁ, ଯଦି କମ୍ ଥିବ ସେଟା କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ କରିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ ପାଥୱେଟା, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ର ତା ଭିତରେ କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବ, ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼୍ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ଟା କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼୍କୁ କହିଲେ, ତ ଏମ୍ଫିବୋଲିକ୍ କ'ଣ କହିଲା, କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼୍ ବିଟୱିନ୍ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼୍ କହିଲେ। କାହିଁକି ଆମର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼୍ କହିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତା'ପରେ ତମେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଇକେଲ। ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାନି, ଆରାମସେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବହୁତ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆରାମସେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବା, କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବା, ଆରାମସେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଚିତ୍ର କହିକି ମେନ୍ଲି ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିବ ଆମର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି କି ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ୍ କରିବ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବ, ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ଆସିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ, ମାନେ ମାର୍କ ଭଲ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲାର୍ଜର୍ ମଲିକୁଲ, ଏନାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର୍ ମଲିକୁଲ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ଏଟିପି ତିଆରି, ଯେଉଁଟା ଏଟିପି ଏ ରିଲିଜ୍ କଲା, ଏଇଟା ଏଟିପି ଏଠି ଦରକାର ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ସ୍ମଲର ଯେଉଁ ମଲିକୁଲ ହେଲା ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲାର୍ଜର୍ ମଲିକୁଲ ତିଆରି କଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟାବୋଲିଜିମ୍ କ'ଣ କଲା, ଲାର୍ଜର୍ ମଲିକୁଲକୁ ସ୍ମଲର ମଲିକୁଲ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା, ଯେଉଁ ଏଟିପି କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଯେଉଁଟା ତା'ପରେ ଯେଉଁ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ବି ପଳାଇଆସିବ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ବି କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
नेक्स्ट कौन अच्छे मेटाबॉलिक पाथवे जोटा कि अलरेडी बुझा सरी मेटाबॉलिक पाथवे कौन हो एबीसीडी कह बुझा अलरेडी एंजाइम वन एंजाइम टू एंजाइम थ्री तार हो दुटा अच्छे फाइनाल प्रोडक्ट है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है अलरेडी बुझाई है देख तापर है देख ये बेसिक एतिक है बेसिक जो मैंने भी एतिक बेसिक लिखिदेव लंग क्वेश्चन आसपार चान्स नहीं जो मैंने एतिक बेसिक लिखिदेव कि फुल मार्क पाइब एपर एक्सट्रा जो मैंने एक्सट्रा जानवर अच्छे देख एक्सट्रा मुझे बर्तमान एक्सट्रा जानवा कि जोटा कि दरकार नहीं बहुत मानते इंटरेस्टिंग अच्छी है आम बडी भितर कौन होमर जो जदि जनकर एज मानने व्वेट अच्छे 70 के जी अच्छी 70 के जी अच्छी तो तार हूँ के 1920 हूँ कौन है किलो क्यालोरी मेटाबॉलिज्म फ्यूल दरकार है रिक्वायर है तो डेली बेसीस केमी ना डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एक्टिविटी किए जदि जिते अधिकाल फिजिकल एक्टिविटी कर तार से अनुसार अधिका तार यूज हम अधिक दरकार हे तो ये कम कला तार कम हम तो ये एनर्जी आसूची कुआडु है जो ये एनर्जीटा आसूची कुआडु आम जो खाद्य खाऊँ खाद्यर आसूची तो खाद्यर कौन आसा आम खाद्यर कौन अच्छे ना कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन अच्छी तो मेनली जो आम एनर्जी आसा कार्बोहाइड्रेट आसमें जो मैंने भात खाऊँ पखाड़ खाई बिलु जाने अधिका कम कर पारती जो मैंने कि अन्न जिन खाऊँ कि अन्न जिन खाई से एनर्जी तो कम आसे कि जो मैंने कार्बोहाइड्रेट खाऊँ तो हूँ 40-60% एनर्जी कुआडे आसा ना कार्बोहाइड्रेट आसा लिपिड्रु के आसा 30-40% जोटा मेनली ट्राइग्लिसेरॉलटा आसा तर प्रोटीन 10-15% जोटा कम आसा जोटा कि एज एज वेल एज आल्कोहल ठीक अच्छे आल्कोहल जमी से प्रोटीन आसा बुझेगा देर इज ए कन्स्टांट रिक्वयरमेंट अफ मेटाबलिक फ्यूल्स थ्रो द डे दरकार है जो खाद्य खाऊँ से खाद्यर आम फ्यूएल मिलला मेटाबलिक बायोमोलिक्यूल सब मिलला आमको मोस्ट पीपुल कंज्यूम देयर डेली इनटेक अफ मेटाबलिक फ्यूएल्स इन टू 2-3 मिल्स जो मैंने रातर दिन खाइबे इवनिंग खाइबे पुणी हूँ रातर खाइबे तीन टाइम मिल ना तो तीन टाइम मिले सफिसीयंट कौन होना दो बॉडी रिक्वायरमेंट बॉडी फ्यूएल दरकार जो मैंने कि आम बॉडी खाली ओनली कार्बोहाइड्रेट खाए आम प्रोटीन लिपिड मेटा सॉर्ट हो तो जो मैंने सब मिक्स खाओ ठीक है मेन सब मिक्स खावा द्वारा कौन होगा बॉडी के आम सफिशिएंट किलो कैलोरी एनर्जी मिले आम गोटे हेल्दी लाइफ मेंटेन करा हेल्दी लाइफ आम बचा आम विटामिन आम जो खाइबा द्वारा कौन होगा जो इम्यूनिट पावर बढ़ सब से डिफरेंट डिफरेंट खाओ ठीक अच्छे तापर देख कौन है कौन है सब किसी देख आम जो खाईदे किसी रिजर्व है रिजर्व कौन है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है लिपिड रिजर्व है हूँ लाइबुल प्रोटीन रिजर्व है कार्बोहाइड्रेट कौन है ग्लाइकोजेन लिभर है मसल सब स्टोर है कमी कार्बोहाइड्रेट स्टोर है लिपिड कौन है ट्राइग्लिसेरॉल इन एडिपोज टिश्यू ट्राइग्लिसर है लाइबुल प्रोटीन स्टोर है इफ द इनटेक ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूएल्स कहला जो मेटाबॉलिक फ्यूएल्स है मानने फ्यूएल्स मान जो जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है इजी कंसिस्टेंटली ग्रेटर देन द एनर्जी एक्सपेंडिचर जोटा आम एनर्जी बॉडी दरकार जदि तामर कौन है ना जो आम खाद्य इनटेक करा हूँ ग्रेटर है जोटा आम अधिका एनर्जी जो खाऊँ आमर कौन है ना दरकार बॉडी कम है गोटे गोटे देखियो पिला हूँ कौन है ना मानने माइंड को कई नबनी से पिला हूँ मानने मानने बेसी जंक फुड खाइबा भल लगे बेसी जंक फुड खाइबा भल लगे तो से कौन है बहुत मोटा होते हैं बहुत मोटा होते बहुत जंक फुड खाइबा भल लगे बेसी खाऊ जी फैट लिपिड खाऊ बॉडी दरकार ना कि खाइले तो ताद्वारा कौन हम ताद्वारा कौन हम ना जो सरप्लस इज स्टोर्ड मैंने कहला जोटा जोटा आम जोटा मैं आम एनर्जी दरकार सेटा हूँ कौन खर्च है जोटा सरप्लस रहा जोटा हूँ बलकार स्टोर होगा से स्टोर ही कौन है ना आम एडिपोज टिश्यू स्टोर है तो जोटा कि आम कौन कल ना ओबेसीटी को आम डेवलपमेंट ओबेसीटी हम ओबेसीटी पेट भारी अधिका मोटा हम एक्सेस हम यहाँ हूँ ओबेसीटी डेवलपमेंट है जोटा कि आम जी दरकार अधिका खाऊँ जी दरकार कम खाऊँ जी आम एनर्जी दरकार आम कम फ्यूएल नौद्वारा कौन हम आम हूँ इमासीएसन हम इमासीएसन कौन जो आम अपपुष्टि हम ना खाद्य अभाव जनित रोग जो है वेस्टिंग हम इवेंचुअली कौन डेथ भी हम तेज आम कम खाऊँ आम भी डेथ हम है मानने अपपुष्टि हम डेथ हम कम खाऊँ बुझीगला तो यहाँ हूँ कौन है मेटाबॉलिक प्रोसेस सब पढ़ले देख ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म कौन देख तो मेटाबॉलिज्म जो ऑल प्रोडक्ट्स आर डाइजेशन
ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन मेटाबोलाइज्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज्ड बाय द साइट्रिक एसिड साइकिल। जो आम डाइजेशन हेला परे कौन एब्जर्ब हो कौन हो जो कार्बोहाइड्रेट एब्जर्ब केमती हेला ना सिंपल फॉर्म अछि माने सिंपल फॉर्म हेला ग्लूकोज रे एब्जर्ब हेला एटा होछि प्रोटीनटा कौन हेला ना एमिनो एसिड रे एब्जर्ब हेला तो होछि जो फैटटा कौन हेला ना फैटी एसिड बा ग्लिसेरॉल एब्जर्ब हेला जोटी आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे एब्जर्ब हेला तापर ये सब कौन हेला ना ये सब कौन है ना एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल एंटर कला एटीपी एनर्जी तैयार कला एमती आउ लिंक भी आम अच्छे जोटा कहा है इंटर लिंक अच्छे गोटे सहित आउ गए इंटर लिंक अच्छे से आस्ते आस्ते पढ़ा तापर देखा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन है ना आम ग्लूकोजटा कौन है ना पाइरुवेट को कौन मान है तो पाइरुवेट रू कौन है ना एसिटाइल कोएंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम रू साइट्रिक एसिड साइकिल है तो यहाँ कहे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ भीतर भीतर देखो सब इंटरलिंक अच्छे तो यहाँ कहे आम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज इज मेजर फ्यूल ऑफ मोस्ट इशू ऑलरेडी जहाँ भी अच्छी जितनी कहला जितक अच्छे खाली लिखिद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन एमती खाली जस्ट चित्रप्रद जोटा कि सफिसीयंट है तापर देखा आसा कौन जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी कहला पेंटेज पाथवे ग्लूकोनियोजेनेसिस पाइरुवेट इंटरमीडिएट्स किसी नाईप देख लिपिड मेटाबॉलिज्म कौन है सेमती जमी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सेमती आम लिपिड मेटाबॉलिज्म है जोटा कि आम पढ़ी स्पाइराल पढ़ी एटा देख स्पाइराल है मैंने ट्राइग्लिसेराइड कौन है ना एसिटाइल कोएंजाइम है जोटा एसिटाइल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल तैयार है जोटा कि एटीपी तैयारी कला बुझीला तो यहाँ हूँ कौन है ना लिपिड मेटाबॉलिज्म है सोर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो आइदर हूँ डाइथेरी लिपिड है और डी नोवो सिंथेसिस फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम तैयार है किंबा हूँ आम डाइथेरी लिपिड तैयार है बुझीला ये किसी ना खाली लिपिड एटा मेटाबॉलिज्म लिखे ट्राइग्लिसेराइड फैटी एसिड एमती लिखी सारिद किसी यार ना जब आम डिटेल्स पढ़ा सेटा डिटेल्स लिखे बर्तमान हूँ इंट्रोडक्शन ये खाली जानते लिपिड मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है आसला लास्ट आम देख आम एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म तो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म कौन तो एमिनो एसिड कौन तैयार है ना प्रोटीन तैयार हुए आम जो प्रोटीन खाऊँचा ब्रेकडाउन हो फास्ट एमिनो एसिड को तापर जाए बॉडी ताको एब्जॉर्ब करियो बिना होची एमिनो एसिड की कन्वर्ट होकर आम बॉडी ताको एब्जॉर्ब कर पार ना ताने प्रोटीन रू फास्ट एमिनो एसिड को कन्वर्ट हम तापर जाए कौन है आम बॉडी ताको एब्जॉर्ब कर एब्जॉर्ब हो पार ना तो जो एमिनो एसिड है सी कौन करना आम डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल तैयार हो डिफरेंट डिफरेंट हूँ आम साइकिल से एंटर कर जो द्वारा कौन मेटाबॉलिज्म से हेल्प कला एमिनो एसिडा बुझेगा जोटा कि आगे आगे गले पढ़ा से जोटा कि एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म है किसी ना ठीक है सरगला आउ जो मैंने टे बैकग्राउंड प्रॉब्लम रोचे से टे दुखित आ जो मैंने देख लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे सांग निकट वीडियो पहुँचाओ तो जिते पिला जानवे से अनुसार भल हम एम एस सी एंट्रान्स देख टे पिला कम आसुँ तो खाली एटा एम एस सी एंट्रान्स बर्तमान क्लास कराऊनी देख जो मैंने कि आम सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन हम जो मैंने कि अगर फिल्ड में जो बायोलोजी क्वेश्चन अच्छे अगर जेको फिल्ड है जो मैंने कि आम अगर डिफरेन्ट डिफरेन्ट फिल्ड अच्छे जो मैंने कि आम बीईडी पढ़ुंट से जो क्वेश्चन गुटा डिस्क मानने आमर हो फायदा हम है तो ठीक अच्छे एम एस सी क्लास सब जॉइन करो ठीक ताने कि जॉइन करो कि जॉइन करो नहीं एम एस जो एंट्रान्स जो क्लास दिखाऊ से मेनली आम सर्ट क्वेश्चन तो डिस्कसन हम तो सर्ट क्वेश्चन टा तो सब कम लगे तुम जो एंट्रान्स दि जदि से तुम ये बायोलोजी एप्लाय कर सर्ट क्वेश्चन टा तुम कम नुह तुम जब फंडा क्लीयर नई तो सही क्लीयर हो पार ना तो फास्ट फंडा क्लीयर हो दर तापर तुम कौन करना आगे जीव ठीक अच्छे आउ थे थैंक यू कहते समय क्लास बसुच थैंक यू बाय बाय नेक्स्ट क्लास देखा।